लेबनान में अपनी जड़ें जमाए बैठे हिजबुल्ला ने इजरायली सेनाओं के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया है। जिस तरह इजरायली सेना लेबनान के लोगों को घरों से भागने पर मजबूर कर रही है, हाल ही में इजरायली सेना ने बेरूत के दक्षिणी उपनगर, दक्षिणी लेबनान, बेका और टायर शहर को खाली करने का आदेश दिया है। वैसा ही अब हिजबुल्ला ने उत्तर की 25 बस्तियों में रहने वाले लोगों के साथ करने का फैसला किया। हिजबुल्ला ने इजरायली सेटलर्स को इलाका छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। हिजबुल्ला ने कहा कि ये बस्तियां इजरायली सुरक्षा बलों की सैन्य चौकियां बन गई हैं, जहां लेबनान पर हमला करने के लिए इजरायली सेनाएं तैनात हैं। इसके चलते हिजबुल्ला ने उन्हें अपने हवाई और मिसाइल बलों के लिए वैध सैन्य टारगेट घोषित कर दिया है। साथ ही बसने वालों से जल्द ही खाली करने का आदेश भी दिया है। किर्यत शमोना, एलेट हाशाहर, हदसूर, हागलिलिट, कारमेल, मालोट, एवन मेनाचेम, नहरिया, रोशपीना, शमीर शाल, मेरोन, कपरी, अबिरिम, डाल्टन, नेवेजिव, कार्ट्रिजन, कफर हनानिया, मनोट, कफर वाद्रिम, हराशिम, बिरिया और किदमत वसी वस्ती को लेकर फरमान जारी हुआ है। बताया जाता है कि ताजा आदेश हिजबुल्ला के ऑपरेशन रूम की ओर से जारी की गई चेतावनी के बाद आया, जिसमें खुलासा हुआ था कि इजरायली सेना ने उत्तरी बस्तियों में आवासीय इलाकों के भीतर अपने अधिकारियों और सैनिकों के ठिकाने बनाना शुरू कर दिया है। हाइफा, तबराया और अक्का जैसे प्रमुख शहर भी बस्तियों के पड़ोस के भीतर से ऑपरेट सैन्य ठिकानों की मेजबानी करते हैं, जो लेबनान के खिलाफ हमले में योगदान करते हैं। हिजबुल्ला ने बसने वालों को चेतावनी दी कि वे अपनी सुरक्षा के लिए अगली सूचना तक इन सैन्य सुविधाओं के पास न रहें। हिजबुल्ला समूह ने हसन नसरल्लाह को याद करते हुए इसराइल को चेताया कि जब तक गाजा और लेबनान के खिलाफ हमले बंद नहीं होते, तब तक उत्तरी बस्तियों को इसराइलियों से खाली रखा जाएगा। दावा है कि चेतावनी के बाद हिजबुल्ला ने हाइफा के दक्षिण में गुलानी ब्रिगेड से जुड़े इसराइली सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर हमला किया। हिजबुल्ला ने खुलासा किया कि यह अड्डा, जिससे इसराइली सेटलर्स काफी हद तक बेखबर थे, मगर ये मौजूदा संघर्ष में नामित सैन्य लक्ष्यों में से एक था। इसके अलावा हिजबुल्ला ने कई इजरायली मिलिट्री साइटों और बस्तियों पर ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया। हमलों की शुरुआत तड़के क़िर्यात शमोना की बस्ती को निशाना बनाकर रॉकेटों की बौछार से हुई, जो आगे चलकर आयता अल शाब के पास इजरायली सैनिकों के एक समूह को निशाना बनाकर किए गए अभियान के साथ बढ़ गई। दोपहर तक प्रतिरोध ने दक्षिणी तेल अवीव में तेल नॉफ एयरबेस पर हमला करने वाले ड्रोनों के झुंड को लॉन्च किया। लड़ाकों ने सफद में एक महत्वपूर्ण खुफिया केंद्र मीसर बेस पर रॉकेट हमला किया। इसके बाद उत्तरी हाइफा में क्रेयट को निशाना बनाकर एक और हमला किया गया। बताया जाता है कि जैसे जैसे अभियान तेज होते गए, इजरायली सैन्य ठिकानों और बस्तियों को निशाना बनाकर रॉकेट हमलों में भी इजाफा हुआ। इसमें एलर्ट बेस पर तैनात इजरायली सैनिकों पर हमला और रास अल नकौरा के अल मशरीफा में एक और हमला शामिल था। हमलों की लहर कम नहीं हुई। लड़ाकों ने कई रणनीतिक साइटों पर एक के बाद एक हमले किए। इस्लामिक रेजिडेंस ने नोरा बेस पर ड्रोन और रॉकेटों की बौछार कर दी।